अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चॉकलेट मग केक की। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। स्टार्ट करेंगे हम आज की रेसिपी जी। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। एक आपने अंडा ले लेना है जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ऑयल ले लें आप 2 टेबलस्पून। चीनी लेनी है आपने 4 टेबलस्पून, चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। मैदा लेना है आपने 4 टेबलस्पून। कोको पाउडर लें आप 2 टेबलस्पून, और आपने कुकिंग चॉकलेट इसके अंदर शामिल करनी है 2 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस लिया है हमने 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, और साथ ही हमने एक ले लिया है एक मग जिसके अंदर हमने जो है ये केक बनाना है। आप चाहे तो किसी प्याली वगैरह में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक अंडा लेना है जिसे हम मग के अंदर ऐड करेंगे जी। तो ये रूम टेम्परेचर पर था, फ्रिज में रखे हुए अंडे का इस्तेमाल आपने नहीं करना। देन आपने इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने जो है इसे बीट करना है। ये मेरे पास हैंड बीटर था, इससे मैंने इसे बीट किया है। आप चाहे तो विस्कर से कर सकते हैं और चाहे तो बीटर से भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसे बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि जो एग और ऑयल है वो थोड़ा फ्लफी हो जाए, यानी इसकी जो क्वांटिटी है डबल हो जाए जी। तो तकरीबन 5 मिनट्स लगे हैं और ये अच्छे से जो है बीट हो गया है। अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। चीनी आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, सिंपल जो है बारीक चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको भी हमने बीट कर लेना है। बस इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, चीनी इसके अंदर अच्छे से जो है ना मिक्स हो जानी चाहिए। अगर चीनी जो है नीचे रह जाएगी तो केक आपका मीठा भी नहीं बनेगा और नीचे से जो है जल भी जाएगा, तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसको भी हमने इसके अंदर अच्छे से बीट किया था, चीनी हमारी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। फिर आपने कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदे को आपस में मिक्स कर लेना है। मैदे के अंदर हमने बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर ऐड किया, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जी। तो इसे अब हमने जो है अपने बैटर के अंदर डाल देना है। आप चाहे तो 2 स्पून कर डाल दें और इसे मिक्स कर लें, चाहे तो सारा एक साथ ही ऐड कर दें जी। तो ये सारा मैंने ऐड कर दिया था। अब इसे सिंपली आपने फोल्ड करना है स्पैचुला से। यहाँ पर आपने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर दी जानी है। एक थिक सा हमारा बैटर जो है बनकर रेडी हो जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, थिक सा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। सिंपली अब आपने इसके अंदर जो है वनीला एसेंस का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया खुशबू के लिए, और कुकिंग चॉकलेट हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है 1/2, यानी 1 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे। बाकी 1 टेबलस्पून आपने जो है इसके ऊपर ऐड करनी है जब आप इसे बेक करेंगे। इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जब मेल्ट होगी तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देगी। ये ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं जी। तो ये हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब जो रिमेनिंग रह गई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है जी। तो मग केक हमारा जो है बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि हम इसको विदाउट ओवन बनाने लगे हैं तो सिंपली मैंने पतीले को जो है प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। मग को हमने इसके अंदर रखना है और दोबारा से इसे अच्छे से कवर कर देना है ताकि हीट जो है बाहर ना निकले। अब सिंपली आपने इसे बेक कर देना है मीडियम फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए जी। तो मैंने तकरीबन 45 मिनट्स बाद चेक किया था। ये देखें जी, केक हमारा अच्छे से जो है बेक हो चुका है। ये थोड़ा फ्लफी हो गया है, जबरदस्त सा हमारा है। केक बिल्कुल रेडी है, इसे हम निकालेंगे और ठंडा होगा तो आपको दिखाएंगे जी। तो तैयार है 5 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मग केक। इसको आप चॉकलेट ब्राउनी भी कह सकते हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट्स सारे वही हैं। तो आपने भी इसकी रेसिपी को जल्दी ट्राई कर लेना है और मुझे फीडबैक देना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कॉमेंट कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।